द प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मैं सबसे पहले एक नारा उठाऊंगा, ये लड़ाई किसकी, किसके लिए लड़ाई है और किसकी लड़ाई है। ये लड़ाई पहले हमारे देश के लिए है, फिर हमारे संविधान के लिए है, और उसके बाद ये लड़ाई मोहब्बत के लिए है। इस सरकार ने ललकार और जंग छेड़ा है, ना सिर्फ इस देश के मुसलमान भाई और बहनों के खिलाफ, उन्होंने जंग छेड़ा है इस पूरे देश की जो कल्पना थी। ये मुल्क आजादी की लड़ाई के दौरान एक तस्वीर था हमारा कि हम अंग्रेजों के जाने के बाद किस तरह का देश बनाएंगे, और हमारी ये कल्पना थी, हमारा ये विश्वास था कि हम ऐसा देश बनाएंगे जहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस भगवान को माने या उस अल्लाह को माने या किसी को ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप इस जाति के हैं या वो भाषा बोलते हैं, आप गरीब हो या अमीर हो, औरत हो या मर्द हो, आप हर तरह से बराबर के इंसान हैं, बराबर के इस देश के नागरिक हैं। इस देश का आपका उतना ही हक है जितना किसी और का। आज जब इस देश के मुसलमानों से सवाल पूछा जा रहा है कि आप अपने इस देश के प्रति अपनी मोहब्बत को साबित करें, सवाल ये है कि पहले वो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी भी हिस्सा नहीं लिया, कोई कुर्बानी नहीं दी। जो यहाँ मुसलमान भाई और बहन हैं, मेरे बच्चे हैं, आप लोग इंडियन बाय चॉइस हैं, हम बाकी लोग इंडियन बाय चांस हैं। हमें कोई चॉइस नहीं था, हमारे लिए यही एक देश था। आप लोगों के पास चॉइस था और आपके पूर्वजों ने ये देश चुना है। आज जो सरकार में है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्ना सही थे और महात्मा गांधी गलत थे। उनके पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी से बदल के भारतीय जिन्ना पार्टी बनाना चाहिए, क्योंकि जिन्ना साहब ने कहा था कि ये हिंदुस्तान एक देश नहीं है, दो देश हैं, मुस्लिम पाकिस्तान और हिंदू हिंदुस्तान। हम ये कहते हैं कि ये एक ही देश है हिंदुस्तान, और इस देश के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, नास्तिक, आदिवासी, दलित, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष, सबको हर तरह से बराबर का हक है। और कोई किसी को जो आपसे ये सवाल पूछता है और आपके हक वापस लेने का दावा करता है, उनका विरोध ये पूरे देश में एक सैलाब शुरू हुआ है, और ये अपने देश के संविधान और अपने संविधान की आत्मा, जो मोहब्बत है, जो बंधुता है, उसको बचाने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग सब सड़क पे निकले हैं और निकले रहेंगे। देखिए, ये लड़ाई संसद में नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उनमें उस तरह की नैतिक साहस नहीं रही है लड़ने के लिए। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से, एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत
और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन उस और हम लोग सब सड़कों पर निकले हैं, लेकिन सड़कों से भी बढ़ के एक और जगह में इसका फैसला होगा। कौन सी जगह में इस लड़ाई का फैसला सबसे ज्यादा होगा? वो है अपने दिलों में, मेरे दिल में, आपके दिल में। हमें इसका जवाब, अगर वो नफरत भरना चाहते हो, हम उसका जवाब अगर नफरत से ही देंगे तो नफरत ही गहरा होगा। अगर देश में कोई अंधेरा कर रहा है और हम लोग कहेंगे कि हम और अंधेरा करेंगे लड़ने के लिए, तो अंधेरा तो और गहरा ही होगा। अगर अंधेरा है तो उसका सामना सिर्फ चिराग जलाने, और पूरी बड़ी आंधी है और उसमें हम अपना चिराग जलाएंगे, उसी से यह अंधेरा खत्म होगा। इसलिए उनके नफरत का जवाब हमारे पास एक ही है और वो है मोहब्बत। वो हिंसा करेंगे, वो हिंसा के लिए हमें भड़काएंगे, हम हिंसा कभी ना करें। आप जरूर समझिए कि उनकी साजिश है, आपको हिंसा के लिए वो भड़काएंगे, हम भड़केंगे। हम 2% हिंसा करेंगे, वो 100% का जवाब देंगे। गांधी जी से हमने सीखा है कि हिंसा का और नाइंसाफी का जवाब, और सबसे ज्यादा अपने अहिंसा से हमें लड़ना है। कभी भी किसी को भी आपको हिंसा के लिए और नफरत के लिए जो कोई भड़काए वो आपका साथी नहीं। मैं एक नारा दूंगा, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, महते जिंदाबाद।